हेलो मेरे प्यार प्यार व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। तो सबसे पहले तो आज आपको गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपको पता है आज है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वैसे हमारे यहाँ भी मनाया जाता है, मतलब पतली कुल में। तो यहाँ पर जो होता है ना लोकल सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो मगर मैं नहीं गई हूँ। जैसे कि आपको पता है दादाजी भी एक्सपायर हुए हैं और थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था। अभी तो चलो 2 महीने हो गए, फिर भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं नहीं गई। बच्चे गए थे थोड़ी देर, तो क्योंकि पापा जी वहाँ पर काम कर रहे थे, मतलब टेंट हाउस का। तो फिर बच्चे भी गए थे थोड़ी देर उनके साथ और मैं घर में ही थी। आज दिन भर बहुत ज़्यादा काम हुआ और शूट भी नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा काम। अभी भी मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब अब भी जाके ना आई हूँ मैं सुबह से, इतना टाइम ही नहीं लगा। तो आज पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा काम था और शूट भी नहीं कुछ किया। तो मैंने सोचा चलो आप सभी को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे देती हूँ, तो इसलिए मैंने आज ब्लॉग डाला है। वैसे आज कुछ ब्लॉग है भी नहीं क्योंकि कुछ शूट किए ही नहीं, तो ब्लॉग का एक होना। तो फिर एक रेसिपी है कमलू की, जो कमलू नहीं है हमारे यहाँ, तो वो कुछ बना रहा था, तो उसकी रेसिपी मिलेगी आपको। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आपको मेरी आवाज़ अब क्लियर आएगी क्योंकि मेरे यानी कि पापा ने मेरे लिए माइक मंगवाया है। तो क्योंकि मेरी आवाज़ ना बहुत कम आ रही थी, मतलब बोल रहे थे लोग कि भैया आपकी आवाज़ ढंग से नहीं आ रही है, तो इसलिए अब ये माइक मंगवाया है शनि के पापा ने। तो आई होप अब आपको मेरी आवाज़ क्लियर आएगी। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हो रही है मैगी बनाने की तैयारी। तो ये ना मैंने 1-2 दिन पहले शूट किया था क्योंकि आज बारिश हो रही थी, तो इसलिए कमलू बोल रहा था कुछ चटपटा सा बनाओ बूजी। तो मैंने बोला मैं बना रही हूँ जुराब, तो तू खुद से बना ले कुछ। तो फिर इसने बनाए मैगी और ये देखिए बाहर का भी कुछ इस तरह से है। बारिश हो रही है आजकल, जैसे कि आपको पता ही है आजकल हिमाचल में बारिश बर्फबारी बहुत ज़ोरों से हो रही है। ऊपर ऊपर तो पहाड़ों पर बर्फ़ भी टिकी है, मगर हमारे यहाँ पर नहीं आई है बर्फ़। 1 ही दिन आई थी, वो भी पिघल गई है। तो आज बारिश हो रही थी, तो फिर कमलू बोल रहा था कुछ खाने के लिए, तो फिर यहाँ पर बना रहा है ये मैगी। तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले इसने यहाँ पर तेल गर्म किया और उसमें डाल दी ये गाजर। तो गाजर थे यहाँ पर लाए हुए, तो गाजर को किया इसने डीप फ्राई करके ना बहुत ही अच्छे से, मतलब पक भी जाते हैं गाजर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हो गया गाजर और इसके बाद डाल दिए इसने प्याज। प्याज को भी अच्छे से भुना जब तक कि ब्राउन नहीं हुए। तो ये ना थोड़ा ज़्यादा ही करता है, मतलब ब्राउन प्याज इसको थोड़ा उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है ब्राउन ब्राउन से प्याज का। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा होना कि जले हैं, मगर ये जले हुआ प्याज नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया इसने ब्राउन प्याज। तो यहाँ पर ये डाल रहा है सूखे मसाले, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर वगैरह, धनिया वगैरह तो इसने बाद में डाल दी थी, तो अभी डाल रही है हल्दी और मिर्च पाउडर। और उसके बाद डालेगा अब नमक, नमक भी इसी टाइम पे डाल देता है। ये देखिए अभी डाला इसने नमक और इन सभी मसालों को अच्छे से भून लिया पहले इसने। एक तो तंदूर पर आराम आराम से बन रहा था, तो काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में भी। तो ये देखिए अब हो गए यहाँ पर सारे मसाले पककर तैयार और अब डाल रहा है यहाँ पर टमाटर। तो यहाँ पर इसने टमाटर डाल दिए हैं और अब टमाटर को अच्छे से पकाएगा। तो ये लगभग हमारे टमाटर हो ही गए हैं, तो ये ना अच्छे से पका रहा था, मतलब बड़े आराम से बनाई इसने मैगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कमलू की रेसिपी कैसी लगी। तो इसने अब ढक्कन लगा के अच्छे से पकाया टमाटर, इसको ना बिल्कुल अच्छी थे वो टमाटर बिल्कुल गले हुए। तो अब ये हो गया था यहाँ पर तड़का तैयार और अब डाल दिए इसने मैगी
और इसके बाद डाल दिया इसने पानी, क्योंकि पानी को पहले ही उबाल के रखा हुआ था हमने मतलब गैस के ऊपर, तो इसलिए ये जल्दी से बन गई। तो ये डाल रहा है पानी, तो यहाँ पर ना पानी इसने थोड़ा कम ही डाला था क्योंकि उतने ज़्यादा सूप नहीं बना था। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो अगर आपको सूप वाली पसंद है तो। ये देखिए अब यहाँ पर डाल रहा है ये मैगी मसाला जो होता है मैगी के अंदर, और मैगी मसाले के साथ इसने डाले ये मसाला इमैजिक। देखिए ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी इसने मैगी कमलू में, खाने में बहुत मज़ा आया था। देखिए कमलू ना खाना बहुत अच्छा बनाता है, मगर नखरे करता है बनाने में, बोलना ना बना तो नहीं बनाता। तो आज ये बिल बैठा था तो फिर इसको खाने की आई खुद को, इसलिए इसने, और ये ऊपर से डाल रहा अब गाजर जो इसने फ्राई करके रखे हुए थे ना, तो वो वाले गाजर डाल रहा था ये ऊपर से। बहुत ही अच्छा टेस्ट आया गाजर का भी इसमें। तो ये देखिए अब हमारी मैगी बस तैयार ही है, और अब हम खाएंगे मैगी। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी कमलू की जो ये रेसिपी है। तो इन सब ने ना थोड़े चावल बचे हुए थे और थोड़ी रोटी थी, इन्होंने खाए चावल रोटी भी इसके साथ, तो मैंने सिर्फ मैगी खाई है। बहुत ही टेस्टी बनी थी मैगी। देखिए आरबी का ना खा ही नहीं रही थी क्योंकि इसने पहले चिप्स खाए और चॉकलेट्स वगैरह, एक तो इसको मना किया है बहुत दिनों के बाद मिले इसको चिप्स और चॉकलेट वगैरह, तो फिर ये मान मतलब इसने खाए काफ़ी ज़्यादा चिप्स और चॉकलेट, इसलिए इसको भूख भी नहीं लगी, इसलिए इसने मैगी नहीं खाई। और आज का जो ब्लॉग है वो इतना ही है, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।